भारतीय राज्य घटना के अनुसार हर एक को व्यक्ति स्वतंत्रता का पूरा हक दिया गया है, पर बुधवार को डीएवी स्कूल में मनविसे के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करते हुए स्वतंत्रता पर कालिमा पोछते हुए स्कूल के प्रिंसिपल जोस कुरियन इनके साथ बदतमीजी की घटना घटी थी। लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन राजकीय पक्ष के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंदिर जैसी पवित्र जगह पर किए इस करतूत का निषेध नवी मुंबई की विभिन्न जगहों से किया गया। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार को नवी मुंबई स्थित सभी स्कूलों ने स्कूल बंद रखकर इस आंदोलन में अपना सक्रिय सहभाग दर्शाया। इसके अलावा डीएवी स्कूल के टीचर्स, छात्रों एवं अभिभावकों ने शांततापूर्ण वातावरण में इस घटना का निषेध किया। ये निषेध रैली डीएवी स्कूल से निकलते हुए नेरुल रेलवे स्टेशन, तेरना कॉलेज, राजीव गांधी फ्लाईओवर से होकर डॉक्टर डीवाई पाटिल तक निकाली गई। इस समय लोकतंत्र के शहर में राजकीय कार्यकर्ताओं से हो रहे इस गुंडागर्दी के रवैये की निंदा करते हुए डीएवी स्कूल के मुख्याध्यापक जोस कुरियन ने कहा, लोग जो राजनीति में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, सभी एक ही काम कर रहे हैं। भावना वो होना चाहिए, हकीकत में वही है सच्चाई कि हम सभी, हमारी जिंदगी, इंसान की जिंदगी ज़्यादा ही कार्य क्षमता की ओर लेके जाना, शांति की ओर लेके जाना और प्रगति की ओर लेके जाना, इसी के लिए हम डिवाइड करके हम हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये समझदारी होना चाहिए सभी में। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जो बड़े हैं, छोटे हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मिल के काम करना चाहिए और सभ्यता के साथ, समझदारी के साथ, क्षमता के साथ, शांति के साथ होना चाहिए। स्कूल में विद्यार्थियों को लोकतंत्र और कानून का आदर करना सिखाते हैं, पर उसी स्कूल में राजनीतिक पक्ष के की गए इस व्यवहार का स्कूल प्रशासन के सभी लोगों ने विरोध दर्शाते हुए अपनी भावना व्यक्त की। मारपीट से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती और हमें बुरा लगा सबको कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये अच्छा नहीं हुआ और जो भी मामला था बात करके वो सुलझा सकते थे अपने बीच। मारामारी से करायला पाहिजे होती, असं ते शांतपणे पण सांगू शकत होते ना, पण तरी त्यांनी मारायला सुरू केलं, टीचर्स वरती ते पण हल्ला केला, मग हे बरोबर नाहीये ना। ये हम बच्चों के भविष्य के लिए है, जो एक तुच्छ राजनीति के लिए लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, ये देश के लिए बहुत गलत है। ये शिक्षा का द्रोह है, जो वो देश द्रोह की तरह ट्रीट किया करने किया जाना चाहिए कि आने वाली नस्ल को बर्बाद नहीं हो। ये बच्चे क्या लेसन ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खड़े ये देख रहे हैं प्रिंसिपल को आके, अरे वो क्या पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग होते तो शायद ये आज ये नौबत नहीं आती। राजकीय पक्ष के किए गए इस आक्रामक भूमिका पर शांततापूर्ण माहौल में रैली निकालते हुए नवी मुंबई की सभी स्कूलों ने करारा जवाब दिया। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ जैन कबराल की रिपोर्ट।